उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वहां कांग्रेस ने धन्यवाद यात्रा की। रायबरेली जहां से राहुल गांधी जीत कर आए और रायबरेली से सांसद चुने गए राहुल गांधी ने यहां पहुंचकर जनता और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, उनको संबोधित किया। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी नजर आई। कांग्रेस संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल भी यहां मौजूद थे। इस दौरान राहुल गांधी ने धन्यवाद करने के साथ साथ बीजेपी पर और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर प्रहार करते हुए कहा कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री हिंसा के बलबूते चुनाव लड़ रहे थे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ जाती तो पीएम मोदी 2-3 लाख वोटों से हार जाते। अयोध्या के लोगों ने तो अपना फैसला सुनाकर हराकर बता दिया। भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए, राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं। आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती, और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है, और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाता। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं। और आपने ये करके दिखाया है, दिन रात हमने काम किया इस नतीजे के लिए। सबसे बड़ा धन्यवाद रायबरेली की जनता को, मेरे परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने मेरे बड़े भाई को वोट देकर इतनी भारी बहुमत से जिताया। हम सब आपके आभारी हैं। और जितनी श्रद्धा जितनी निष्ठा आपने हमें दिखाई है, उससे दुगनी श्रद्धा, उससे दुगनी निष्ठा के साथ हम सब आपके लिए काम करेंगे अगले 5 सालों के लिए और हमेशा के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।